भारतीय राजनीति को दागियों से मुक्त करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट की एक और अहम कोशिश का न केवल स्वागत बल्कि अनुकरण होना चाहिए। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राजनीतिक दलों को जो निर्देश दिए हैं उसकी बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी। कायदा तो यही है कि राजनीतिक दल स्वयं ही दागियों से पल्ला झाड़ लेते और उन्हें योग्य प्रत्याशियों को मैदान में उतारते जिनका सार्वजनिक ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन भी उज्जवल है, इसमें कोई संदेह नहीं। नेताओं के चरित्र से ही राजनीति का चरित्र तय होता है। नेताओं के चरित्र सुधार की महती जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दलों ने कहा है जब कोई दल किसी दागी प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारते तो 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक रूप से लोगों को यह बताए कि ऐसा क्यों किया। खास बात यह है कि राजनीतिक दल प्रत्याशियों के जिताऊ होने की दलील देकर दागियों को टिकट देते हैं। अब जब राजनीतिक पार्टियां किसी दागी को खड़ा करेंगी तो नामांकन के 24 घंटे के अंदर अपनी रिपोर्ट भी दाखिल करेंगी। रिपोर्ट न दाखिल करने का अवमानना माना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के इस पर कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को अधिकृत कर दिया है। लगे हाथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति नरिमन और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने साफ कर दिया है कि अब जिताऊ होने का तर्क नहीं माना जाएगा। जाहिर है इससे राजनीतिक दलों पर दबाव कुछ बढ़ेगा। वे किसी दागी को मैदान में खड़ा करने का वाजिब तर्क खोजेंगे और संभव है खोजने में कामयाब भी हो जाए। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश हमें सुधार की दिशा में आगे ले जाएंगे इसकी उम्मीद रखनी चाहिए। यहाँ हमें यह समझना होगा कि राजनीतिक सुधार कोई एक दिन में पूरा होने वाला काम नहीं है। भारत में सुधार की प्रक्रिया धीमी जरूर है लेकिन हमें भारतीय व्यवस्था की पारंपरिक उदारता को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी जनहित याचिकाओं की बड़ी ज़रूरत है जो हमारी व्यवस्था में हर स्तर पर ईमानदारी को प्रेरित करे। देश में नेतृत्व के स्तर पर सुधार सबसे जरूरी है, इसलिए ताज़ा याचिका ज़्यादा प्रशंसनीय है। भारत में राजनीतिक सुधारों की बहुत ज़रूरत है। ध्यान रहे भारतीय राजनीति के अपराधीकरण या राजनीति में अपराधियों की दखल पर एन वोहरा समिति ने 1993 में रिपोर्ट दी थी जो संसद में पेश हुई थी। तब से अब तक 26 साल बीत गए। भारतीय राजनीति में दागियों की भूमिका घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए 2004 के आम चुनाव में 24% दागी चुने गए थे, 2009 के चुनाव में 30%, 2014 के चुनाव में 34% और 2019 के चुनाव में विजेता दागियों का प्रतिशत बढ़कर 43 हो गया। राजनीतिक दलों ही नहीं हम मतदाताओं को भी अपने गिरेबान में झांकना
होगा और पूछना होगा कि राजनीति में अपराधियों की संख्या आखिर क्यों बढ़ती जा रही है, हम दागियों को क्यों वोट देते हैं, न्यायाधीशों को जो करना है वे कर रहे हैं, अपनी ओर से चुनाव आयोग ने भी अपराधियों को चुनाव लड़ने से वंचित करने के उपाय किए हैं, पर अंततः जिम्मेदारी हम नागरिकों पर ही है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा दिशा निर्देश भी हमें हमारे कर्तव्यों की फिर याद दिला रहे हैं। पाकिस्तान की एक अदालत की ओर से आतंकी सरगना हाफिज सईद को सुनाई गई सजा पर यह संदेह होना स्वाभाविक है कि कहीं यह दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश तो नहीं। इस संदेह का एक बड़ा कारण यह है कि चंद दिनों बाद ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF इस पर विचार करने जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ के आतंकी ढांचे पर लगाम लगाने के लिए उचित कदम उठाए या नहीं। चूँकि पाकिस्तान पर यह खतरा मंडरा रहा है कि FATF की ओर से उसे काली सूची में डाला जा सकता है, इसलिए हैरानी नहीं कि विश्व समुदाय के साथ इस संगठन को झांसा देने के इरादे से ही हाफिज सईद को आनन फानन सजा सुना दी गई हो। पाकिस्तान के इरादों को लेकर संदेह उभरने का दूसरा बड़ा कारण यह है कि हाफिज सईद के खिलाफ मुंबई के आतंकी हमले के मामले में कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं दिखती। इसी तरह पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के मामले में भी पाकिस्तान कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है। आखिर इस नतीजे पर न पहुंचा जाए तो किया जाए कि पाकिस्तान आतंकवाद से निपटने का दिखावा मात्र कर रहा है। भारत ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामले में पाकिस्तान की खोखली प्रतिबद्धता को रेखांकित कर सही किया, लेकिन उसे केवल इतने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। भारत को इसे लेकर सतर्क रहना होगा कि पाकिस्तान FATF को चकमा देने में समर्थ न हो जाए। इसकी आशंका इसलिए है क्योंकि इस संगठन के कुछ देश इसके लिए सक्रिय हैं कि पाकिस्तान काली सूची में न आने पाए। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि अमेरिका ने हाफिज सईद की सजा का स्वागत किया है। भले ही अमेरिका को यह दिख रहा हो कि पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकी ढांचे को ख़त्म करने को लेकर गंभीर है, लेकिन सच यही है कि वह इसका ढोंग करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान न केवल लश्कर जैश शरीखे आतंकी संगठनों को पाल पोस रहा है, बल्कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क शरीखे उन आतंकी गुटों को भी पनाह दे रहा है जो अफगानिस्तान के लिए खतरा बने हुए हैं। यदि अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को निकालने की जल्दबाजी में अमेरिका इस तथ्य की अनदेखी करने को तैयार है तो इसका मतलब है कि वह सच्चाई से मुंह मोड़ रहा है। जो भी हो, विश्व समुदाय को इस पर गौर करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो न्यायपालिका हाफिज सईद के हाल के मामलों को लेकर सक्रियता दिखा सकती है, वह 12 साल पुराने मुंबई हमले के मामले में कुंडली मारे क्यों बैठी है।